जा रहे हैं? मेरे पास तो आके बैठिए। मैं पराई औरत को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या? हमारी शादी हुई है, बीवी हूं मैं आपकी। देखो, तुम्हारी शादी बेशक मेरे साथ हुई हो, लेकिन तुम पे सिर्फ हक उनका है। शादी के बाद पति पत्नी में करीबी संबंध होना स्वाभाविक है, लेकिन जैसा अभी आपने देखा, एक कमरे में रहते हुए भी इस पति ने पत्नी से दूरी बनाई हुई थी, और जब पत्नी ने पहल की तो पति ने उसे पराई औरत कह दिया। मैं पराई औरत को हाथ नहीं लगाऊंगा। आखिर एक पत्नी अपने पति के लिए पराई औरत कैसे हो सकती है? और अगर उस पर पति का हक नहीं था तो फिर किसका हक था? लेकिन तुम पे सिर्फ हक उनका है। कैसी शादी थी ये? क्या थी असलियत? कैसे जुड़ा था इस शादी से एक अपराध? आइए देखते हैं ग्वालियर की ये घटना। देखो, मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है, तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसकी शर्म तोड़ने के लिए। वैसे मैं पूरा ख्याल रखूंगी तुम दोनों को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेसी मिले। चलो चलो, इन्हें अकेला छोड़ दे, हम कहीं घूम कर आते, तब तक ये दूल्हे की शर्म तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। जा रहे? मेरे मैं पराई औरतों को नहीं छूता। कैसी है मेरी बच्ची? बिल्कुल ठीक हूँ पापा, बस आपकी और बुआ की बहुत याद आने वाली है। अब बस भी कर बेटा, अब यही तेरा घर है, अपने पापा का नाम रोशन रखना। अरे, आप लोग कब आए? बस अभी अभी आया। मैं के लिए चाय बना कर लाती हूँ। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। क्या है, एक हाथ दिन में आपकी बेटी उसके पति के साथ हनीमून पे जा रही है, और वो भी पूरे एक महीने के लिए। तो अभी जितना मिलना है उतना जी भर के मिल लीजिए। अभी आप ही की बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है वो। क्या कर रही हो तुम्हें? हैं? तुमने मुझे छुआ क्यों? पति हो तुम मेरे, तो चौकी वाली कौन सी बात है? क्या हुआ बेटा? नहीं माँ, वो मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। कोई बात नहीं भाई, ये साफ कर देना। जी। और तुम अच्छे से चाय बना के लाना। चलो बुआ जी। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? ये जवाई जी ऐसे क्यों चले गए? पापा सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। अगर ठीक नहीं भी हुआ तो आपकी बेटी ठीक कर देगी, है ना? मैं जानता हूँ बेटा, मैंने अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दी है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, कभी भी तुझ पे जरा सी भी तकलीफ आए तो मुझे याद रखना, आई एम जस्ट वन कॉल अवे। दुआ कीजिए पापा कि मैं जब भी आपको फोन करूं ये बताने के लिए करूं कि सब कुछ ठीक।
बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ सबके लिए। श्रुति की शादी के वक्त और बाद में होने वाली रस्मों के दौरान बाकी सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रोहन का रवैया कुछ अजीब सा था। वो श्रुति के छूते ही घबरा जाता था। ससुराल में पहले ही दिन श्रुति से कहा गया कि रोहन बेहद शर्मीला है। मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है। श्रुति को भी लगा कि शायद रोहन इससे पहले कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन फिर भी श्रुति ने इस बात की चर्चा अपनी सास से की। क्या बात है माँ? वो रोहन, रोहन को किसी बात की परेशानी है क्या? वो कई दिन हो गए लेकिन फिर भी वो दूर दूर रहते हैं। तो बेटी, मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि तूने मुझे अपनी माँ समझकर सब कुछ शेयर किया। आगे से भी ऐसे ही करना। रही बात रोहन की, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था रोहन बहुत शर्मीला है, और इतने सारे मेहमान भी तो थे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मेरी बहन जिद कर रही है मैं उसके सर जाऊं। आशा करती हूँ वापस आने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता है माँ, मेरी माँ नहीं है लेकिन आपको मिलके लगता है जैसे मुझे मेरी माँ मिल गई। हाँ बेटा, और हाँ, मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि तुम दोनों को साथ रहने का वक्त मिले, साथ में रहने के लिए। और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे घर से भी कोई ज्यादा फोन ना आए, ताकि प्राइवेसी बनी रहे। प्राइवेसी का मतलब समझती हो ना? माँ। पापा, प्राइवेसी का मतलब नहीं समझते आप? मजाक कर रही हूँ, कैसे आप? बेटा मैं ठीक हूँ, तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए फोन कर लिया। कैसे है तुम? ओफ हो पापा, अगर आप मेरी इतनी चिंता करेंगे तो मैं यहाँ कैसे सेटल हो पाऊंगी? आप चिंता मत कीजिए, यहाँ सब कुछ ठीक है, और एक दिन में तो बस हम हनीमून के लिए भी निकलने वाले हैं। बेटा बस यही कहना था कि अपना ख्याल रखना। बाय। Thank you.
फिर रुस्तम निकले? ये स्टाइल कहाँ से सीखी आपने? माफी चाहता हूँ, मैंने श्रुति को छुआ, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वैसे वो सुबह तक होश में नहीं आई। रात कैसी गुजरी? ये लो, खाओ ना। हाँ, खा लो इसको, खा लो, खा लो। ये लो, खाओ उसको, अच्छा है, खाओ, खाओ, खाओ। बहुत बदतमीज हो गई तुम। वो तो मैं उनका लिहाज कर रहा हूं, वरना
ये सब आप लोगों के लिए। हाँ वो तो ठीक है, पहले ये बता दुल्हन ने एडजस्ट कर लिया ना? हाँ हाँ भाई, एडजस्ट क्यों नहीं करेंगे, इतना प्यार करने वाला पति जो मिला है। लेकिन एक बात है, मेरा बेटा खुश रहना चाहिए, उसे शादी के सारे सुख मिलने चाहिए। रोहन, हेलो। हेलो। हाँ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, आप कैसे हो? बहू कहाँ है? अरे माँ, आप भी ना, नहीं ना, मेरी दुल्हन के बारे में इतनी इंक्वायरी ठीक नहीं है। अच्छा आप ये बताओ कि आप आ कब रहे हो? बस दो चार दिन में आ रही हूँ। ओके बेटा, बाय। ठीक है माँ। परेशान क्यों? चलो मैं तुम्हें अच्छे से प्रेजेंटेबल बना देता हूँ। इतनी अच्छी नाइटीज हैं तुम्हारे पास, उसके बावजूद भी तुम साड़ी पहन के बैठी रहती हो। जब उनके पास जाओगी तो उनको ये नहीं लगना चाहिए ना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। चलो बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सा वाला पहनोगे? वैसे एक बात बोलूं, उनको ना ये कलर बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये पहन लो, ये ठीक रहेगा, पहन लो, ये तुम पे अच्छा भी लगेगा। अब फटाफट खड़ी हो जाओ और ये पहन लो। पहन लो ना, उनको अच्छा लगेगा। देखो श्रुति, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, तुम जानती हो मैं पराई औरतों को हाथ भी नहीं लगाता हूं। चलो चलो। अरे खड़े हो जाओ, चलो चलो। क्या झांक क्या रही हो अंदर? साहब बहुत दिन हो गया था, रूम की सफाई नहीं हुई थी। रूम की सफाई हो जाएगी, तुम जाओ मैं कर लूंगा अंदर की सफाई। तुम्हें जरा भी शर्म है, एक शादीशुदा जोड़ा अपने कमरे में, तुम डिस्टर्ब करने पे लगी हुई। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से, मैं कर लूंगा अंदर की सफाई, जाओ। अब अच्छी लग रही हो ना तुम, देखो। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से टेप हटाऊंगा तो तुम चिल्लाओगी। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है ना? मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा लगता है ना? बैठो। रोहन श्रुति को कुर्सी से बांधकर रात भर पर्दे के पीछे छोड़ देता था, आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था वो? क्या रोहन मानसिक रूप से असामान्य था या फिर कोई और चाल चली जा रही थी? श्रुति को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, आखिर उसका कसूर क्या है?
और पर्दे के पीछे कौन था वो शख्स जिसके पास उसे हर रात भेज दिया जाता था। असलियत जो भी हो, लेकिन श्रुति के लिए अब ये मेंटल और फिजिकल टॉर्चर बन चुका था। उसके पास किसी से बात करने का कोई जरिया भी नहीं छोड़ा गया था कि वो कहीं से मदद मांग सके, अपने मायके वालों को इस बारे में बता सके क्या था सच और कब तक चलने वाला था ये भयानक सिलसिला। क्या कर रही तुम यहाँ पे? वहां की सफाई हो जाएगी, तुम जाओ दूसरे कमरे की सफाई करो। अब जाओ, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ उधर जाओ। बेटा तुम इस हालत में ऐसे कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हो? और रोहन कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। अरे बेटा घबरा मत, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। घर चल बेटा। मुझे अपने घर जाना है। बेटा बेटा मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चल बेटा, मुझ पर भरोसा है ना? हाँ तो पहले घर चल, फिर तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। चल बेटा चल। अच्छा मेरा बच्चा, चल ना ना मेरा बच्चा आज। चल बेटा ना ना, डरना नहीं। कहाँ थे तुम? है पराई लड़की के साथ कोई ऐसा करता है? बेचारी अपना घर बार छोड़कर आई है। मैं ये सोचकर बाहर गई थी कि तू इसका अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन देख देख तूने इसकी क्या हालत बना के रख दी है। शर्म नहीं आई तुझे? अरे अरे ये तुम्हारी भाभी है। भाभी मां समान होती है। पागल हो आप लोग, पागल हो आप लोग, पागल हो आप लोग।
आपने कहा था ना मुझे जाने देंगे, मुझे अपने घर जाना है। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 ना बेटा, घबराना नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक कर दूंगी। अब से तेरे पति के और तेरे बीच में कोई नहीं आएगा। पागल हो आप? अरे 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 चल चल, तुझे तेरे पति के पास लेके चलती हूँ, चल बेटा चल, छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, चल चल बेटा चल, तेरे पति के पास। आपने कहा था मुझे जाने देंगे। हाँ हाँ चल, तेरे पति के पास लेके चलते हैं, छोड़ी मुझे, चल। मेरा बेटा तुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे बेटे को छोड़ के मत जा, छोड़ी मुझे, बहुत प्यार करता है। देख देख, तू चाहती है ना रोहन तुझे इंजेक्शन ना दे, हाँ तो चल अंदर चल, पापा के पास चल, चल मेरा बेटा, मेरा बेटा रवि, तेरा पति, देख देख कैसे मुस्कुरा रहा है। रवि रवि, तेरी बीवी आ गई। तुम्हें पता है जब तुम्हारी शादी तय हुई थी ना रवि के साथ, तो रवि बहुत खुश हो गया था, वो तेरा दीवाना था, मुझसे आके कहता था माँ माँ शादी करूंगा ना तो यही लड़की से करूंगा वरना नहीं करूंगा। हाँ मेरा बेटा रवि। माँ इस लड़की की तस्वीर इतनी सुंदर है, वो हकीकत में कितनी खूबसूरत होगी। माँ मेरी शादी अगर इस लड़की से नहीं हुई ना मैं मर जाऊंगा। बेटे ऐसे नहीं कहते, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी शादी इसी लड़की से करवाऊंगी। याद में मर गया, तुझे पाने के पहले मर गया। बस तभी मैंने सोच लिया था मेरी रवि की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी, नहीं तो उसकी आत्मा तड़पती रहेगी ना। वो तुझे पत्नी बनाना चाहता था। बेटा बेटा मैं प्यार से कह रही, तेरे आगे हाथ जोड़ रही, मेरे बेटे को वो खुशी दे दे जिसका वो हकदार है। देख देख प्यार से मान ले ना, वरना तेरा जीना हराम कर देंगे हम। वैसे वैसे बस 21 दिन पूरे होने में 3 दिन तो बचे हैं। पागल आप बेवकूफ कही की। अरे अरे रवि की तरफ से रोहन तेरी डोली लेके आया था बस, लेकिन तू पत्नी मेरे रवि की है, उसी के साथ जीना है तुझे। मुझे जाने दो। चुप चुप, इससे 3 दिन बचे। देख बेटा तू मान ले मेरी बात, नहीं तो रोहन को बोल दूंगी तुझे इंजेक्शन देने के लिए। बोल दू, रोहन को बोलो इंजेक्शन देने के लिए। नहीं रोहन, रोहन तेरी भाभी को संभालना, मैं फोन लेके आती हूँ, संभालना इसे। क्या हुआ भैया? श्रुति ने शायद मुझे सुबह फोन किया था लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया था। अभी उसके घर पे फोन लगा रहा हूँ तो कोई उठा ही नहीं रहा। एक बार फिर से कोशिश करिए ना।
हाँ ये करता हूँ। हेलो। हेलो बहन जी, नमस्कार जी। वो शायद श्रुति ने मुझे फोन किया था। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। अब, नहीं मतलब श्रुति तो घर पे है ही नहीं ना, तो श्रुति कैसे फोन कर सकती है। हाँ हाँ, शायद मेरे से गलती से लग गया होगा। सॉरी सॉरी भाई साहब, जरा काम है, अभी रखती हूँ। जी हाँ। क्या हो गया? कमाल है, श्रुति ने मुझे सुबह फोन किया था, आई एम श्योर, और वो कह रहे हैं कि श्रुति बाहर गई है, हमें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। मुझे तो उस औरत में कुछ गड़बड़ी लगती है। मैंने पहले ही कहा था कि जब बड़े लड़के की शादी तय की थी तो छोटे लड़के को क्यों आगे किया था भला उन्होंने। तुम तो जानते हो, बड़े बेटे रवि की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, फिर जब उन्होंने छोटे बेटे की बात चलाई तो मैं तैयार हो गया। बड़े लड़के की मौत को 21 दिन भी नहीं हुआ और छोटे लड़के की शादी तय कर दी, ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई। और आप भैया श्रुति से मिलने क्यों नहीं जाते? अब वो बेटी का ससुराल है, मेरा बार बार वहां जाना अच्छा लगेगा क्या? भाभी होती तो श्रुति का ध्यान रखती, और आप भैया श्रुति की शादी करके तो उसको जैसे भूल सा ही गए। अच्छा सोचिए, श्रुति के घर से आपके लिए फोन आया और उसकी सास ने उठाकर क्या कहा कि श्रुति बाहर गई है। तो जब श्रुति की सास ने आपको फोन नहीं किया तो भला किसने किया होगा, सोचिए जरा। ले बेटा खाना खा ले, ले बेटा खाना खा ले, ये ले खा ले बेटा खा ले। अरे खा ले, खाने दीजिए मुझे। खाएगी ना तो जिंदा कैसे रहेगी तू, खा ले बाबा, अभी तुझे नहीं मरना है, तीन दिन का तो सवाल है, खा ले। ये, 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 ये। तीन दिन निकाले अगले आप जाके इलाज करवाइए अपना। एकदम चुप, एकदम चुप, आवाज नहीं करना। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, कभी भी तुझ पे जरा से भी तकलीफ आए तो मुझे याद रखना। I am just one ball away. मैंने आपको बताया ना, वो हनीमून पे गई है अपने पति के साथ, बहुत खुश है दोनों। मुझे बताया? अरे परसों ही गए, यहाँ से चंडीगढ़ गए फ्लाइट से, फिर वहां से शिमला गए और मनाली गए आज। बहुत खुश थे, बर्फ गिर रही है थर्ड, बहुत खुश थे दोनों। मैं उसे फोन ट्राई कर रहा था, बात ही नहीं हो पा रही थी। क्या भाई साहब, कैसे फोन लगेगा उसका, हनीमून कपल है, फोन तो बंद ही रहेगा ना इस वक्त। वैसे मेरी अभी अभी बात हुई है, अभी फिर से फोन आता है ना तो मैं आपके बात करवाती हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा बहन जी, उसका फोन आए तो मुझसे बात करने को कह दीजिएगा। हाँ। चलता हाँ। अंधविश्वास में डूबे इस परिवार ने श्रुति की शादी एक मृत व्यक्ति के साथ करा। रोहन और उसके परिवार ने अपनी अंधी सोच में एक लड़की का जीवन तबाह कर दिया, और इनकी हरकतें छिपी रहे इसलिए श्रुति के पिता मिस्टर सक्सेना को श्रुति से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने ऐसा जवाब दिया और आप वापस आ गए, श्रुति से एक बार भी बात नहीं की ना आपने? श्रुति वहां पे थी नहीं तो उससे कैसे बात करता। उसकी सास ने मुझसे कहा कि वो लोग हनीमून पे गए हैं, उन्हें डिस्टर्ब ना करो। उन्होंने कहा और आप मान गए? भैया श्रुति आपकी बेटी है। देखिए भैया, अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हमारे समाज में वैसे भी लड़की के मायके वालों को काफी दबा कर रखा जाता है, और शादी के बाद लड़की के ससुराल में ज्यादा पूछताछ को दखलअंदाजी माना जाता है। इसी वजह से लड़कियों के घर वाले
समय रहते अपनी बेटियों की मदद नहीं कर पाते हैं। मिस्टर सक्सेना और श्रुति के साथ भी यही हो रहा था, लेकिन सक्सेना साहब की बहन के सवाल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उधर श्रुति अपने ससुराल वालों का पागलपन झेलने को मजबूर थी। क्या श्रुति इस नर्क से निकल पाएगी? क्या उसके पिता समय रहते उसे बचा पाएंगे? क्या उसके ससुराल वालों का इतना ही प्लान था, या अपने मृत बेटे रवि की आत्मा को खुश करने के लिए वो कुछ और खतरनाक भी करने वाले थे? ऐसी विकृत मानसिकता के लोग कुछ भी कर सकते थे। श्रुति की सहन शक्ति अब समाप्त होती जा रही थी। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वो किसी भी तरह अपने पिता तक पहुंच सके। सिद्दीकी, ये मेरे भाई हैं, आपको इनकी मदद करनी है। जी बोलिए। मेरी बेटी और दामाद जी 22 तारीख के फ्लैट से चंडीगढ़ के लिए निकले थे, उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सकेगी। उनका नाम बताएंगे प्लीज? बेटी का नाम है श्रुति वर्मा और दामाद जी का नाम है रोहन वर्मा। जी नहीं, उनका नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। प्लीज एक बार फिर से चेक करिए ना। रुको एक मिनट, मैं एक दिन पहले की लिस्ट चेक करता हूँ। जी नहीं, श्रुति और रोहन इस नाम का कोई भी पैसेंजर 22 तारीख या उससे एक दिन की पहले की लिस्ट में नहीं है। नहीं है? परसों ही गए, यहाँ से चंडीगढ़ गए फ्लाइट से, फिर वहां से शिमला गए और मनाली गए आज। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। भाभी, भाई को मनाली जगह बहुत पसंद थी। हाँ, हमने तुम्हारे पापा को तो बता दिया तू मनाली में है, अब तुझे भी तो फील होना चाहिए ना तू मनाली में है। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। अरे अरे, इसे तो ठंड लग गई। एक मिनट, हाँ बेटा, इसे ठंड लग रही है। ये शॉल ले लो, शॉल ले लो। हाँ, अब ठंड नहीं लगेगी। अभी मर चुका है, रवि मर चुका है, मुझे जाने दो, रवि मर चुका है। हमें पता है रवि मर चुका है, लेकिन क्या है, तेरे आज 21 दिन पूरे हो रहे हैं ना इस घर में, अब तुझे भी तो रवि के पास जाना है। हाँ, हम लोगों को बाबा जी ने बताया था ना, इसे रवि के पास जाना है ना। हाँ हाँ, हाय बेटा, तू मेरे रवि की अर्धांगिनी है। अभी जी के नहीं निभा सके, मर के तो निभाओ। बहुत है बेटा तेरा, बहुत है। बेटा तू अपना काम करना, इंजेक्शन। इस वक्त दोष जरा ज्यादा रखना, रवि के पास भेजना है ना इसे। और बड़ा, और बड़ा। देख, इसे चुप करा, मैं देखती हूँ। आवाज नहीं होनी चाहिए। आप? अरे श्रुति यहाँ नहीं है, मैंने बताया ना आपको, आपकी समझ में बात नहीं आती क्या? झूठ बोलती हो तुम, मुझे सब पता चल गया है, मेरी बेटी को यहीं कहीं बंद करके रखा है। श्रुति! नहीं है श्रुति, पापा! श्रुति! सुनो, सुनो, नहीं है श्रुति यहाँ, देखो, देखो वो मेरे बेटे का कमरा है, देखो, सुनो, बात सुनो, श्रुति! रोहन, रोहन भागो इसे! श्रुति! 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 रोहन! आता।
से मार डालूंगा। श्रुति, श्रुति बेटा, श्रुति, श्रुति, तू ठीक तो ना? श्रुति के ससुराल वालों ने उसे पागल करने और उसकी जान लेने की पूरी तैयारी कर रखी थी। ये तो शुक्र है कि पिता और बुआ ने समय रहते खतरा भांप लिया और श्रुति की जान बचा ली। लेकिन अक्सर देखा गया है कि माता पिता बेटी की शादी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। शादी के बाद ससुराल में बेटी के साथ क्या हो रहा है, इस बात की पूरी जानकारी रखना और शक होने पर जरूरी कदम उठाना और कानून की मदद लेना भी माता पिता का फर्ज है। श्रुति के ससुराल वाले सिर्फ अंधविश्वासी ही नहीं थे, गंभीर आपराधिक मानसिकता वाले लोग भी थे। उन्हें पुलिस के हवाले करके मिस्टर सक्सेना ने न केवल अपनी बेटी को बचाया बल्कि कई अपराधों को होने से रोक लिया। रोहन और उसकी मां सिमी को श्रुति की हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी के सेक्शन 307, उसे बंधक बनाने के लिए सेक्शन 344, धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 420, आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120 बी और श्रुति को यातना देने के लिए सेक्शन 498 ए के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। फिर होगी मुलाकात। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें सावधान इंडिया। इंडिया फाइट्स बैक।